तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों ने सही देखा थंबनेल पे कि इंटरनेट चालू रहे लेकिन किसी का कॉल ना आए। बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने फ़ोन में क्या सेटिंग करना है ताकि आप अपने फ़ोन में कोई भी ज़रूरी कार्य कर रहे हो तो किसी का कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम चाहते हैं कि आज हमें किसी का भी कॉल नहीं आए, आज जो है हम पूरी तरह से बिना किसी से बातचीत किए अपने फ़ोन से अपने फ़ोन में ये करना है वो करना है। तो आज किस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। कभी कभी दोस्तों देखिए, कभी कभी ये चीज़ें जानना ना बहुत काम आता है और ये बहुत सारे लोग जो है करते होंगे और कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो आइए समय को ना ज़्यादा बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे जो कि यहाँ पे साइड में जो है शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी स्टेप्स को मिस मत करना। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में जो कॉलिंग डायल करते हैं ना, जैसे ये डायलर, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर में थ्री डॉट वाले एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन में देखना है जहाँ पर ये देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग और डिलीट एंट्रीज ब्लॉक और ये सेटिंग, तो इसमें आपको सेटिंग का ऑप्शन ढूंढ लेनी है। ठीक है, सारे फ़ोन में जो है अलग अलग सेटिंग होता है, अलग अलग तरीके से आता होगा, तो आपको सेटिंग वाले ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया, उसके बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉल फॉरवर्डिंग का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिम वन और सिम टू लिखा हुआ है, तो जिस भी नंबर पर चाहते हो कि कॉल ना आए वहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है कॉल फॉरवर्डिंग वाले ऑप्शन पर। ठीक है, जैसे आप यहां पे कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहां भी आपको तीन चार ऑप्शन दिखेगा, आप देख सकते हो यहां पे ऑलवेज फॉरवर्ड फॉरवर्ड और जो है यहां पे क्या लिखा है व्हेन वीजी वगैरह वगैरह जो भी है, तो आपको यहां पे ऑलवेज फॉरवर्ड जो है यहां लिखा है ना, यहां पे आपको क्लिक कर देनी है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर मेरा ऑलरेडी डला हुआ है, मैंने भी जो है अभी मतलब वो वही सिस्टम में भी अभी लगा रखा हूं इसमें। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, एक नंबर डालना है ऐसा जो या तो स्विच ऑफ हो फोन और या फिर उसमें जो है रिचार्ज ना हो, एक ऐसा दूसरा नंबर यहां पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पे जैसे ही दूसरा नंबर डालेंगे तो होगा क्या कि आपके नंबर पे कोई भी इंसान कॉल करेगा तो वो उस वाले नंबर पे डायरेक्ट जो है फॉरवर्ड हो जाएगा कॉल, और वहां पर उसको या तो स्विच ऑफ बताएगा या फिर इनकमिंग जो है खत्म है, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस नंबर पर वो उनको बता देगा आपके नंबर पर। ठीक है, तो जो है ये तरीका है दोस्तों जिससे आपका जो है इंटरनेट चालू रहेगा और आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको जो प्रॉब्लम होगा ना वो बता देगा कि इसका जो रिचार्ज ख़त्म है या फिर ये बिजी है या फिर स्विच ऑफ है या फिर कवरेज क्षेत्र से बाहर है, जो भी है वो उनको बताएगा, लेकिन आपका फ़ोन चालू रहेगा, आपका नंबर चालू रहेगा, आप अपने नंबर पर जो है मतलब इंटरनेट यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही नंबर जो है नंबर आएगा तो यहाँ पर इनेबल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, वो चीज़ जो है आपका तब से यहाँ पे चलने लगेगा, और जब आपका काम बंद हो जाए तो फिर उसके बाद इसी तरह से आप जो है फॉरवर्डिंग वगैरह पे जा करके हटा भी सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें। ठीक है, आपसे मिलेंगे एन अदर वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।